दोस्तों स्वागत है आज के एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज जो ना अपने गेहूँ कट रहे हैं और भाई कंबाइन मशीन है दीवान की क्रॉप टाइगर 930। तो भाइयों धूप निकली हुई है और जो ना फिलहाल मौसम ख़राब बता रखा, अभी 13-14 तारीख आंधी बारिश बता रखे हैं, तो इससे जो ना जल्दी गेहूँ कटवा रहे हैं आज अपने। और तो भाई इस बार जो ना जो गेहूँ का मतलब जो अनाज निकल रहा है वो काफ़ी अच्छा निकल रहा है, औसत काफ़ी अच्छा आ रहा। और जो मतलब खेत में जो है ना जो कटिंग कर रही मशीन बढ़िया कर रही है। और ये है जिसमें जो है ना लगभग अशोक लीलैंड का 6 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, तो ये मशीन का जो टैंक है वो फुल हो चुका है। तो चलते हैं अपना ट्रैक्टर लेने के लिए। तो फिलहाल आज जो है ना ड्राइवर भी ईद की छुट्टी पर हैं, तो अपना भी ट्रैक्टर चलाने पड़ रहे हैं आज। तो भाई 2-3 चक्कर तो लग चुके हैं, बाकी फिर अभी दो जो HD है वो भी अपना भरा हुआ खड़ा है। और फिलहाल अभी 5-7 में खाली करवाते हैं इस वाले खेत को, और वहाँ पे छोटा ट्रैक्टर भी भरा हुआ खड़ा है। तो भाइयों तो भाई एक्चुअली जो इधर भरा हुआ खड़ा और 557 को लेकर चलते हैं जी अपने खेत में। वो ये देख सकते हैं सारे गेहूँ कट चुके हैं आज, लगभग 25 बीघे गेहूँ कटवाए हैं। तो भाइयों आज जो ना 25 बीघे गेहूँ कट जाएंगे जी, और बाकी देखो कुछ अभी जो ना हरे हैं गेहूँ, लगभग 6-7 बीघे और रह जाएंगे, वो कटेंगे लगभग 10 दिन बाद। तो भाई ट्रॉली में खाली हो रहे हैं गेहूँ, अब ये देखो धूल, देखो दोस्तों देखो धूल कितनी उड़ रही है। बाकी देखो जिस सिचुएशन में ये जो ड्राइवर हैं, तो भाई हमारे पे जो ना पंजाब से जो ड्राइवर आते हैं ये चलाने के लिए मशीन तो अपने गाज़ियाबाद जिले की ही, बट बाकी जो मतलब मशीन चलाने के लिए जो ऑपरेटर रहते हैं ना ये आते हैं हमारे पे पंजाब से, क्योंकि हमारे इधर जो ना इसके कुछ ड्राइवर वगैरह ऐसे ऑपरेटर नहीं है, तो पंजाब से ही आते हैं हमारे यहाँ पे। और भाई आज जो ना फिलहाल 25 बीघे कटवाए हैं, क्योंकि अभी जो ना हल्की सी नमी भी थी गेहूँ में, उसका कारण ये था कटवाने का, क्योंकि 13-14 तारीख में जो ना अपने यहाँ पे गाज़ियाबाद ज़िले में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। तो भाई उससे तो अच्छा है कि थोड़े गीले कट जाएं, मतलब वैसे गीले नहीं है, आप देख सकते हैं जैसे गेहूँ जो है ना ये देख सकते हैं, वैसे तो गेहूँ साफ़ है, ये देखिए आप गेहूँ जो ना वैसे साफ है, लेकिन देखो जरा जरा सा जो ये आ रहा है इसको चंदा बोलते हैं अपने यहाँ पे, तो ये जो ना नमी की वजह से आ रहा है। और आज जो ना सुबह से धूप भी बहुत हल्की रही है, सुबह से मौसम ख़राब है, बादल छा रहे थे, लेकिन अब फिलहाल कुछ देर पहले आके धूप निकली है। तो अब जो ना ये जो खेत है ये भी जो ना फिनिश होने वाला। तो भाई अपने साइड जो ना जो गेहूँ कटिंग का रेट चल रहा है वो चल रहा है 600 रुपये बीघा, एक बीघे काटेंगे 600 रुपये ले रहे हैं। तो आज अपने 25 बीघे गेहूँ कट चुके हैं, और बाकी ये अपना 557 खड़ा उधर खड़ा है, HD भरा हुआ खड़ा, उसकी ट्रॉली फुल भर रही है ऊपर तक फट्टों तक, उसमें फट्टे भी लगे हुए हैं। और वहाँ पे खड़ा अपना छोटू सोनाली का, ये देख सकते हैं आप। तो भाई मशीन से कटवाने का देखो कारण भी ये है, क्योंकि लेबर तो देखो अपनी साइड मिलती नहीं है, लेबर बहुत महंगी हो रही है, और जो लेबर काटती है ना गेहूँ को तो वो काटते हैं 15 धड़ी बीघे पर, मतलब एक बीघे में 15 धड़ी हो गए, ये लगभग 75 किलो जो गेहूँ लेते हैं, 15, कोई 16, कोई 14 तो ऐसे मांगते हैं। और अब जो ना लगभग 7-8 दिन में जो ना जो अपना ये पूरा पुराल सा है गेहूँ का ये सूख जाएगा, तो फिर भूसा बनवाएंगे, भूसा बनाने के लिए जो ना अपने बाहर से ट्रैक्टर आते हैं। अपने जो ना इस साइड मतलब खेती कम होती है, इतनी खास लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो इस वजह जो ना इधर ना तो कंबाइन मशीन खास है ऐसी, ना ही रीपर वगैरह, तो सब जो ना बाहर से आती हैं। बाकी अपने पूरे इलाके में सिर्फ एक ये कंबाइन है दीवान क्रॉप टाइगर 930, तो काफ़ी बढ़िया चल रही है, 6 सिलेंडर इंजन के साथ है, और इसमें जो है ना ड्यूअल प्री क्लीनर लगा हुआ। तो भैया एक राउंड और बच रहा है, एक राउंड के बाद जो ना अपने जो गेहूँ हैं वो हो जाएंगे फिनिश, और ट्रॉली जो ना लगभग फुल सी है, बस साइड खाली है, ये साइड जो है ये भर जाएगी इस बार में। तो लगभग 3 ट्रॉली तो हो गई अपनी, 557 की भर गई ऊपर तक, एक भर गई HD की ऊपर तक फुल, और एक जो छोटे ट्रैक्टर है वो फुल भर गई। तो HD में जो ना इससे डबल गेहूँ आते हैं, क्योंकि उसकी जो ट्रॉली है वो साइज़ में थोड़ी बड़ी है, और ऊपर फट्टे लगे हुए हैं उसमें। वही फ़िलहाल जो ना देखो अब आके धूप से निकली है, अगर सुबह के टाइम से रहती ना तो जो गेहूँ में मतलब और पनसा जाता, इतनी नमी सी नहीं रहती। और एक कल से जो ना अपने साइड में यहाँ पे जो ना मतलब मौसम ठंडा चल रहा बहुत,
और ये देखो जी मशीन, कंबाइन मशीन है, कंबाइन मशीन। और बस एक राउंड जो बच रहा है वो अभी है, इसके बाद अपना पूरा खेत फिनिश। ट्रॉली जो लगभग फुल सी हो चुकी है अपनी, अब लेके चलते हैं घर। तो भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।